नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में दो दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, 5 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में दो दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 23 व 24 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। वहीं 25, 26 व 27 मई के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। 28 मई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ा रहेगा। उधर ऊना सोमवार को सबसे गर्म दिन रहा, तापमान 42.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं विभाग के अलर्ट के बीच आज सुबह शिमला में मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर से बादल छाए हुए हैं। बागवानी एक बॉक्स में 24 किलो सेब पैकिंग के शर्त का विरोध, यूनिवर्सल कार्टन लागू करने को 10 दिन का अल्टीमेटम। सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश ने सरकार के सेब पैकिंग के लिए लगाई 24 किलो की शर्त को खारिज कर दिया है। संघ ने आरोप लगाया है कि आढ़ती और व्यापारियों के दबाव में सरकार ने यह शर्त लगाई है। सेब उत्पादक संघ ने 10 दिन के भीतर सेब पैकिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूनिवर्सल कार्टन लागू करने की अधिसूचना जारी करने की मांग की है। ऐसा न होने पर आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया गया है। 3 जून को सेब उत्पादक संघ की राज्य स्तरीय बैठक आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। अनियंत्रित होकर पबन नदी में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार रोहडू के सीमा के समीप रामपुर की एक कार अनियंत्रित होकर पबन नदी में गिर गई। हादसे के समय 5 युवक कार में सवार होकर थाना चिड़गांव से शादी समारोह में भाग लेने जा रहे थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 घायलों को उपचार के लिए रोहडू अस्पताल लाया गया। मृतकों की पहचान श्रेय नेगी पुत्र लेखराज नेगी गाँव कराली रामपुर, ऋषभ पुत्र रूपलाल गांव कोल रामपुर और जयवीर पुत्र मनीलाल गांव बरशील के रूप में हुई है। वहीं करुण चौहान पुत्र ताराचंद निवासी गोपालपुर व कार ड्राइवर रमन को चोटें आई हैं। मामले की जांच SHO थाना चिड़गांव अमित शर्मा की ओर से की जा रही है। हिमाचल में तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर खाद्यान्न नहीं बेच सकेंगे कारोबारी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के कारोबारी अब तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज्यादा अनाज या खाद्यान्न का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में फिर से मार्जिन प्रॉफिट एंड होर्डिंग एक्ट 1977 लागू कर दिया है। कारोबारियों के अनुसार इस एक्ट को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। पिछली भाजपा सरकार ने कारोबारी संगठनों की मांग पर साल 2018 में इस को खत्म कर दिया था, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से बीते 9 मई को इसके बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस फैसले से अनाज समेत अन्य उत्पादों की कीमतें नियंत्रित होगी। मूल्य और लाभ प्रतिशत तय होने से कारोबारी ज्यादा दामों पर बिक्री नहीं कर पाएंगे। दुकानों पर हर सामान की रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य होगा, साथ ही इन्हें खरीदने और रखने की मात्रा तय होने से कालाबाजारी भी नहीं हो पाएगी। पेपर लीक मामला न्यायिक हिरासत, 3 जून तक बढ़े, 5 महीने से सलाखों के पीछे हैं मुख्य आरोपी और दोनों बेटे। भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों को सोमवार को फिर से हमीरपुर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ाने का फैसला न्यायाधीश ने सुना। इन आरोपियों में शामिल मुख्य आरोपी उमा आजाद, उसके दोनों बेटे नितिन आजाद, निखिल आजाद पिछले करीब 5 महीने से सलाखों के पीछे हैं। विजिलेंस ने पोस्ट को 965 AIT पेपर लीक मामले में 23 दिसंबर 2022 को भंग हो चुके चयन आयोग के निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और उसके बेटे निखिल आजाद को गिरफ्तार किया था। गर्मी बढ़ने से हमीरपुर जिले में पीने के पानी की किल्लत, उपायुक्त ने जल शक्ति विभाग को दिए निर्देश। लगातार तापमान में हुई बढ़ोतरी के चलते हमीरपुर जिला में लोगों को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जल शक्ति विभाग समय सारणी के मुताबिक अब लोगों को पानी देने में और असफल साबित हो रहा है। जानकारी मिली है कि गांव में अब पीने का पानी 4th दिन लोगों को मिल रहा है। पहले ये पानी की सप्लाई 2 दिन बाद की जाती थी। जिला के 2 विधानसभा क्षेत्रों बरसर व भोरंज के कई गाँव में पीने के पानी को लेकर लोग परेशान है।
बंजार के सिद्वा में कार दुर्घटनाग्रस्त, युवती की मौत, युवक घायल, 50 फीट नीचे लूट की कार। जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग ओट लोहरी सेंज में हो रहे लगातार हादसे पर अंकुश नहीं लग रहा है। एक के बाद एक हादसे पर अंकुश लगना जरूरी है। अब सिद्वा में कार खाई में गिर गई, इसमें एक पर्यटक युवती की मौत हो गई है जबकि एक युवक घायल हुआ है जिसका उपचार बंजार अस्पताल में चल रहा है। शव की पहचान वैभवी निवासी मुंबई महाराष्ट्र के रूप में हुई है जबकि कार चालक जय सुरेश गांधी निवासी मुंबई महाराष्ट्र घायल हुआ है। प्रदेश में पहली बार पैरामोटर का रोमांच, गोविंद सागर झील के दिखेंगे नजारे। हिमाचल में पहली बार पैरामोटर शुरू होने जा रही है, इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। कोटलहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंदरौली में ये सुविधा मिलेगी। पैरामोटर से पर्यटक गोविंद सागर झील के नजारे ले पाएंगे। खास है कि अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स के साथ एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। पैरामोटर के जरिए मैदानी क्षेत्र में आराम से ग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया जा सकेगा। बीते वर्ष अंदरौली में इस साहसिक खेल के लिए सफल उड़ान भी हो चुकी है। पैरामोटर सुविधा को चलाने के लिए अंदरौली में पहले से ही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां चला रहे ऑपरेटर ने इच्छा जाहिर की है। अब वो इसके लिए आवेदन करने जा रहे हैं। मौसम विभाग का सभी 12 जिलों में आंधी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट एडवाइजरी जारी। मंगलवार को दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 23 मई को प्रदेश के सभी जिलों में आंधी और भारी वर्षा व ओलावृष्टि को लेकर एडवाइजरी जारी की है। किन्नौर, लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में 20-40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी के चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 27 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने का अनुमान है। शिमला में कई वर्षों के बाद रातों को इतनी गर्मी पड़ रही है। शिमला में रविवार व सोमवार की रात मंडी, हमीरपुर, सोलन व धर्मशाला से ज्यादा गर्म रही। शिमला का न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि मंडी में 17.3, हमीरपुर में 16.9, सोलन में 16 और धर्मशाला में 16.2 डिग्री दर्ज किया गया है। रात्रि का तापमान शिमला में सामान्य से 3.9 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। हिमाचल में पहली बार मेथामफेटामाइन सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार, छानबीन में जुटे पुलिस। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मेथामफेटामाइन सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने प्रदेश के प्रवेश द्वार सोलन जिला के परवानू में चंडीगढ़ और पंजाब के युवकों से 22.29 ग्राम चिट्टा समेत 1.56 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सोमवार सुबह 3:45 पर परवानू में गश्त पर थी। इस बीच परवानू की तरफ से आ रही एक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर चिट्टे समेत मेथामफेटामाइन बरामद किया गया। लिहाजा मोहनलाल निवासी मकान नंबर 159 अजीत इंकलेव रंधावा रोड खरड़ पंजाब, मनिंद्र सिंह निवासी शिवालिक इंकलेव नजदीक गुरुद्वारा खरड़ पंजाब और प्रदीप कुमार यादव निवासी सेक्टर 56 चंडीगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। कोर्ट से तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की मांग की जाएगी। इसके बाद आरोपियों से नशे के संबंध में पूछताछ की जाएगी।